गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन और क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 7 चल रहा है हमारा इंडिगो, जिसके राइटर हैं मिस्टर लुई फिशर। आज हम इसका कंक्लूडिंग यानी लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, जो हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, गांधी मोटिस से लेकर टुगेदर। ये 49 पेज की लास्ट लाइन है और 50 पेज पे फिनिश हो जाएगा। हमने इससे पहले जो फोर्थ पार्ट में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि किस तरह से चंपावन का बैटल एक्टर से वॉन किया गया था, और जब उसे वॉन किया था उसका रीज़न ये नहीं था कि उन्होंने कोई बैटल वॉन किया, इसका मतलब ये था कि उन्होंने करेज यानी साहस को जीता था, उनके मन से डर गायब हो गया था। फिर लास्ट के पैराग्राफ में हमने देखा था कि किस तरह से गांधी जी वहाँ पे सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट यानी सामाजिक और आर्थिक उन्नति की बात कर रहे हैं, और यहाँ भी देखा था खासकर उन्होंने तीन तक जो है कैस्टर ऑयल, कुनेन और सल्फर से जो है वहाँ जो ट्रीटमेंट देते थे उसके बारे में। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वहाँ की सामाजिक स्थिति बड़ी जीर्ण शीर्ण थी, बड़ी दयनीय कंडीशन में थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी, जिस कस्तूरबा के नाम से जानते हैं, उन्हें बुलाया और वहाँ पर जो महिलाएं थी उनको हाइजीन यानी स्वच्छता के बारे में चर्चा की, क्योंकि जो है स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, अपन तो जानते ही अभी इन दिनों में, ठीक है। तो उस समय में ही गांधी जी ने स्वच्छता के लिए कार्य प्रारंभ किया, और जब कस्तूरबा गांधी जी ने बात करी वहाँ की महिलाओं से कि आप स्वच्छ कपड़े पहने, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, तो देखिए वहाँ गरीबी कितनी थी, इसका एक यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि वह महिला कस्तूरबा को अपनी झोपड़ी में लेके गई और बताया कि वहाँ उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कपड़े उसे पहन रखे हैं बस वही हैं, तो किस तरह से वो रख सकती है। तो ये बताया गया कि कितनी ख़राब कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन कितनी ख़राब, उनकी सोशल कंडीशन थी। अब वहीं पर गांधी जी जो है सोशल अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, पर्सनल हाइजीन की बात कर रहे हैं। पर देखिए सबसे बड़ी बात, खास बात, गांधी जी अभी चंपारण में है लेकिन उनका जो मुख्य कार्य है वो साबरमती आश्रम में, तो वो वहाँ भी हर चीज़ पे पूरी तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं। वो वहाँ पर भी बाय टेलीग्राम, बाय लेटर्स जो है उनको गाइडेंस दे रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उनको उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, कि पुराने टाइम में कोई व्हाट्सएप और फेसबुक थोड़ी था कि तुरंत यहीं से बैठे बैठे ऑनलाइन भी काम हो जाए, ठीक है। वो लेटर जाने में जो टाइम लगता था, टेलीग्राम जाने में जो टाइम लगता था, तो उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से उन्होंने नज़र रख रखी थी। और फिर यहाँ ये बताया गया कि जो चंपारण एपिसोड है ये महात्मा गांधी की लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से हम बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरह से चंपारण एपिसोड गांधी जी की लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद यही चीज यहाँ बताया गया कि क्या गांधी जी का जो पैटर्न था न केवल पॉलिटिकल बल्कि सोशल इकोनॉमिकल हर तरह का अपलिफ्टमेंट की बात कही गई है। पर यहाँ हम जब नीचे की तरफ पढ़ते हैं तो यहाँ एक और इंग्लिश पर्सन की बात आती है जिन्हें हम चार्ल्स फ्रेडर एंड्रयूज कहते हैं, सी एफ एंड्रयूज के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध हैं। और ये जो थे ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता मिशनरी कहले थे, और ये उस इनको भारत के अंदर जो है दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, और ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े, ये मान के चलिए कि एक तरह से डिवोटी यानी भक्त की तरह थे, फॉलोअर थे गांधी जी के। और उनको जो है फिजी भेजा जा रहा था, तो जितने भी भारतीय नेता थे वो ये चाहते थे कि सी एफ एंड्रयूज साहब वहीं चंपारण में रुक जाए इंडिया में, और इस जो ये आंदोलन चलाया है सिविल डिस ओबीडियंस आंदोलन, इसके अंदर वो सहायता प्रदान करें। लेकिन गांधी जी जो है वो कुछ और सोच रहे थे, गांधी जी ने ऐसा इस बात पे विचार नहीं कर रहे थे, वो चाहते थे कि सी एफ एंड्रयूज साहब जहाँ उनको भेजा जा रहा है वो चले जाएँ, और ये जो लड़ाई है सिविल डिस ओबीडियंस ये भारतीयों की है और भारतीयों को लड़ना चाहिए, न कि एक अंग्रेज को अपनी तरफ मिला के ये माना जाए कि अब हम उनके साथ, वो यानी जिसे कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत अभी जो चल रहा है, ठीक है। ये गांधी जी उस समय में ही एक तरह से शुरुआत कर चुके थे कि हमें स्वयं अपनी लड़ाई लड़नी है, किसी पर आश्रित नहीं रहना है। और यही बात राजेंद्र प्रसाद जी ने लास्ट पैराग्राफ के अंदर हम कमेंट किया है इस पर, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ हम लोग जब इसकी पीडीएफ फॉर्म स्टडी करेंगे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी स्टडी करेंगे। ये चैप्टर मैं शुरू से कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के अंदर हर स्थिति के अंदर ये मान के चलेंगे कि इसमें से
क्वेश्चन आना ही है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, इसके क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए। इट्स ऑल, थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर 7, नेम इंडिगो। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया आज, हम इसका लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे जिसे हमने 5th पार्ट कहा है। तो चलिए बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाते हैं। आप देख रहे हैं बुक के ऊपर मार्क है 5th पार्ट, तो हम वहीं से इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से गांधी जी को कहा गया कि इंडिगो जो प्रॉब्लम है नील की खेती की चंपारण में विशेष रूप से, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन था गांधी जी ने उसके अंदर जो है मीडिएटर बने, और किस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की। सबसे बड़ी बात जो थी वो थी डर से आज़ादी। ठीक है, नहीं है तो हम 5th पार्ट पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वहाँ उन्होंने सोशल अपलिफ्टमेंट पे काम किया। ठीक है, नहीं देखो पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट से कुछ नहीं होता जब तक कि इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ना हो। तो यहाँ गांधी जी ने सोशल वेलफेयर को भी जो है इम्पोर्टेंस दी है। तो हम बंदिया पढ़ रहे हैं पेज नंबर 49, लास्ट लाइन से शुरू करेंगे। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। गांधी जी ने देखा कि महिलाएं जो थी उनके कपड़े कैसे गंदगी से भरे हैं। ही आस्क कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, और वो चाहते थे कि कस्तूरबा जी उनसे बात करें इसके बारे में। गांधी जी ने खुद ने बात नहीं की क्योंकि महिलाएं थी ना, तो महिला ज़्यादा अच्छे तरह से बात कर सकती है। इसलिए वन वुमेन टू कस्तूरबा इन टू हर हट एंड सेड, लुक देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ। और उसने अपने घर लिया के दिखाया कि यह मेरे पास कोई अलमारियाँ या बक्से भर भर के कपड़े नहीं हैं, केवल वही कपड़े हैं जो मैंने पहन रखे हैं। यानी ये बता रहा है कि कितनी दयनीय, कितनी पैथेटिक कंडीशन उनकी थी। द साड़ी आई एम वियरिंग इज ओनली वन आई हैव, जो साड़ी मैंने पहन रखी है बस यही साड़ी मेरे पास है, अब क्या तो धोऊंगी और क्या पहनूँ मैं, है ना। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। देखिए यहाँ देखिए गांधी जी की ड्यूटीफुलनेस देखिए। ऐसा नहीं कि वो चंपारण जो भी बिल्कुल देश के दूसरे हिस्से में है और उनका आश्रम जो साबरमती में है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, और भारत जैसा विशाल देश लंबा चौड़ी दूरी है इसके बीच में। तो गांधी जी ने उस समय भी ऐसा नहीं कि चंपारण में थे तो उन्होंने आश्रम पर ध्यान नहीं दिया, वहाँ उस समय जो भी साधन अवेलेबल था उन्होंने नियंत्रण रखने के लिए, नज़र रखने के लिए वो सभी साधन का उपयोग किया था। ही सेट रेगुलर इंट्रैक्शन बाय इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फिनेंशियल अकाउंट। वो अक्सर करके इंस्ट्रक्शन देते थे, पत्र लिख लिख के देते थे, टेलीग्राम करते थे, और ख़ास करके खाता बही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हिसाब किताब सही से रखा जाए। Once he wrote to the resident that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old one would begin to smell bad. देखिए यहाँ गांधी जी की ये नेचर बताइए कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गांधी जी उसके ऊपर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते थे, वो हर छोटी चीज़ का भी ध्यान देते थे। यहाँ ये कहा गया कि पुराने टाइम के अंदर जैसे कच्ची टॉयलेट्स बनते थे ना, तो वो जो गड्ढे थे वो जो है गंदगी से भर चुके थे, अब उनको ऊपर मिट्टी डालनी थी और नए खुदाने थे, नहीं तो बीमारियां और जो है बदबू फैलने का डर था। तो देखिए इतनी छोटी सी बात पे भी गांधी जी की नज़र थी। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ही क्वेश्चन बनेंगे, दो क्वेश्चन एटलीस्ट पीछे भी हमारी बुक में दिए कि चंपारण एपिसोड जो था गांधी जी की लाइफ के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। वट आई डिड ही एक्सप्लेन्ड वॉज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग, जो कुछ मैंने किया बहुत ही सामान्य बात थी। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने ये निश्चय किया कि जो अंग्रेज हैं ये मुझे मेरे ही देश में मेरे देश के प्रति निर्देश नहीं दे सकते क्योंकि देश तो मेरा है। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन इफेक्ट ऑफ डेफियंस, इट ग्रो आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। ऐसे ही शुरू नहीं हो गया बल्कि बहुत बड़ी तादाद में जो किसान लोग थे उनके हित के लिए इसको शुरू किया गया था। दिस वॉज द टिपिकल गांधीज पैटर्न, और यही गांधी जी का एक विशेष अजीब कार्य करने का तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविंडेड विद द प्रैक्टिकल, उनकी राजनीति जो है वो डे टू डे लाइफ से जुड़ी होती थी, डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस। और आज बिल्कुल जो उनके जीवन की बहुत ही व्यवहारिक समस्याएं उन पर वो ध्यान देते थे। हिज वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू ऑब्स्ट्रक्शंस,
इट वॉज़ ए लॉयल्टी टू द लिविंग ह्यूमन बींग्स। और यही नहीं है कि उनकी जो वफादारी है वो ये किसी के प्रति नहीं थी, जबकि उनकी विशेष वफादारी जो है वो मानव मात्र के प्रति थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, और जो कुछ हुआ वो गांधी जी ने किया। मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड ए न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन ऑन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। और वो चाहते थे कि भारत देश जो है वो न केवल स्वतंत्र हो बल्कि आत्मनिर्भर भी हो। अर्ली इन द चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, इन्हें जो है दीन बंधु भी कहा जाता है, ये अंग्रेज हैं, मिशनरी थे। द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम ए डिवोटी फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बहुत महत्वपूर्ण शिष्य बन गए थे, कम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग टू टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। और उनको फिजी आइलैंड अपनी ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा था, इसलिए गांधी जी से विदा लेने आए थे। गांधी लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। और गांधी जी के जितने भी लॉयर फ्रेंड्स थे वो चाहते थे कि वो एंड्रयूज साहब को वहीं रोक ले और वो जो है चंपारण के अंदर जो आंदोलन चल रहा है उसमें वो उनकी मदद करें। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रयू साहब ने कहा कि मैं तैयार हूँ अगर गांधी जी मुझे अनुमति दे दें। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड, गांधी जी ने इसकी अनुमति नहीं दी बल्कि इसका विरोध किया। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन आवर साइड, कि ये तुम ये सोच रहे हो कि जो हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है इसमें एक अंग्रेज हमारी तरफ भी होगा तो हमें बहुत मदद मिलेगी। दिस शोज़ दैट वीकनेस ऑफ आर हार्ट, लेकिन ये तो हमारी आत्मनिर्भरता के ऊपर एक चोट है, यानी हमारे आत्मबल के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि हम क्या अकेले नहीं लड़ सकते बिना किसी अंग्रेज की सहायता के। दिस कॉज इज जस्ट दैट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। देखो बिल्कुल स्पष्ट बात है, अगर आपको युद्ध जीतना है तो आपको स्वयं पर ही विश्वास करना होगा, किसी दूसरे पर नहीं। यू शुड नॉट सीक ए प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन टू बी ए इंग्लिश मैन। पर केवल ऐसा नहीं कि श्रीमान एंड्रयूज साहब जो इंग्लिश मैन हैं तो उनको अपनी साइड पर ले लें, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड, राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि उन्होंने हमारे विचारों को बहुत सही तरीके से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस ए लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और आज ये बात देखिए कि गांधी जी ने एक तरह से हमें आत्मनिर्भरता की सीख उस समय ही दे दी थी। सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर वर वेल बाउंड टुगेदर। देखिए आत्मनिर्भरता, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और ये शेयर क्रॉपर, ये बहुत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो देखा लुईस फिशर साहब ने कितने स्पष्ट तरीके से गांधी जी के बारे में लिखा है। अब हम इसके थोड़े क्वेश्चंस को देख लेते हैं, मैं केवल हिंट ही बताऊंगा, हम आगे बढ़ते हैं। ये तो वोकैबुलरी आ गई, ये ट्रू और फॉल्स आ गया, ये आप खुद करते हैं। सेकंड पार्ट पे आ गए, पार्ट बी जिसे कहते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20-30 वर्ड्स ईच। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला अप्रोच गांधी जी, गांधी जी के पास क्यों आए थे पता है ना आपको। व्हाट वर द टर्म ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट, यानी शर्तें क्या थी, तो कितनी पे नील उगाएंगे और कितना जो है उपज का भाग देंगे, ठीक है ना। वाई डिड गांधी, थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वाई डिड गांधी नॉट एग्री टू प्रोसीड चंपारण विद राजकुमार शुक्ला इमीडिएटली, वो तुरंत क्यों नहीं गए थे, क्या कारण था, ठीक है। फोर्थ देखिए, व्हाट हैपेंड व्हेन गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वॉन्टेड टू मीट राजेंद्र प्रसाद, क्या हुआ था याद है, वो उनके घर गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे, फिर कुएं से पानी नहीं भरने दिया था, याद है ना, हाँ वही वाली चीज़ें। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर क्यों जाने वाले थे। हाँ वो दो टीचर के नाम थे ना, प्रोफेसर मलकानी और कृपलानी, याद आया ना, हाँ उन्हीं के से रिलेटेड है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सिंथेटिक इंडिगो ऑन द नेचुरल इंडिगो क्रॉप, ये सिंथेटिक यानी जो कृत्रिम रूप से नकली जो नील बनाई थी उसका क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, हाउ डिड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड कंपेल पुअर पीजेंट्स, किस तरह से उन पर जोर डाल रहे थे, वो कॉन्ट्रैक्ट से फ्री होकर उनसे कंपनसेशन चाहते थे। व्हाई डिड गांधी स्कॉल्ड द लॉयर, गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा था, वो फीस ज़्यादा ली थी ना गरीबों से इसलिए। नाइन्थ देखिए, हाउ डिड चंपारण एपिसोड प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टर्निंग पॉइंट कैसा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर फैमिलीज ऑफ पीजेंट्स, क्या क्या किया उन्होंने, सामाजिक उत्थान, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिकल की बात नहीं है, सोशल अपलिफ्टमेंट। ये क्वेश्चन नीचे भी हैं दोनों को, दोनों 8-9 डिटेल में, तो हम वहाँ भी इसको स्टडी करेंगे। हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पीजेंट्स इन चंपारण,
ठीक है ना, ये चंपारण में किस तरह से हेल्प की थी, दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, ये ऊपर वाले हमने देखे थे। एक्सप्लेन योर ऑन वर्ड्स हाउ राजकुमार शुक्ला कन्विंस गांधी जी टू प्रोसीड टू चंपारण, किस तरह से देखा था एकदम पीछे पड़ गए थे राजकुमार जी के, नहीं मेरे साथ हमारे साथ चलना ही होगा, ठीक है ना। तो इतना डेडिकेशन बहुत जरूरी है अपनी कोई प्रॉब्लम हो तो, अगर हम सोल्यूशन चाहते हैं तो, ठीक है। वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू कंसल्ट प्रोफेसर मलखानी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्यों इन दोनों से जो है चर्चा करना चाहते थे, ताकि वो फैक्ट सही फैक्ट कलेक्ट कर सके, क्योंकि कागज़ जो बोलता है वो इम्पोर्टेंट ना, डॉक्यूमेंटेड बॉडी इम्पोर्टेंट होता है। वट वर द ओल्ड टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट, ये क्वेश्चन का आंसर हमने ऊपर भी दिया था याद होगा। वट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ चंपारण एपिसोड ऑन द पीजेंट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पीजेंट पे क्या हुआ, उनके मन से डर निकल गया, ठीक है। और ब्रिटिश की गवर्नमेंट पे क्या हुआ कि यही नहीं कि उनको भी हराया जा सकता है, वो अनडिफिटेड नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, आई होप सो कि आपने इसको चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। 5 पार्ट में इसीलिए डिवाइड किया था ताकि आप आराम से धीरे धीरे समझें, और क्वेश्चन के आंसर्स आप अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। और जब भी टेस्ट भेजा जाए आप इसके ऊपर टेस्ट को अच्छे से लिखिए। आई होप सो कि आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।